अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में उतरने का ऐलान किया है। सपा अध्यक्ष के इस ऐलान के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की प्रतिक्रिया सामने आई है। नरोत्तम मिश्रा ने अखिलेश यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि यूपी से भी बुरा हश्र होगा। अखिलेश यादव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के एक प्रोग्राम में ग्वालियर पहुंचे थे। यहां पर जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या 2023 के एमपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसकी क्या रणनीति होगी, मीडिया के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि इस बारे में संगठन से बातचीत की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि जितने विपक्षी दल हैं उनको एकजुट होना चाहिए और आने वाले वक्त में बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो संदेश बिहार से गया है, मुझे उम्मीद है कि अन्य राज्यों में भी विपक्षी दल एक होंगे। वहीं अखिलेश यादव के बयान के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का जो हश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हुआ था, वही हश्र मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी होगा। बता दें कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कर भविष्य की सियासी पृष्ठभूमि तैयार करने में जुटी है। इन दोनों राज्यों में पार्टी यादव मुस्लिम बहुल सीटों पर नए सिरे से खाका तैयार कर रही है। राजस्थान में पिछले चुनाव में सपा ने कांग्रेस से गठबंधन कर चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, लेकिन अंत समय पर गठबंधन टूट गया और सपा दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी।